हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई हो आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। 10 बज चुका है, मैं अपने सैलून पे आ चुका हूँ और आज हमारे पास ब्राइडल मेकअप भी है और नॉर्मल मेकअप वाले भी काफ़ी हैं। सबसे पहले हमारी क्लाइंट थी, ये इनको करवाना था फेसियल। सबसे पहले हमने इनका डिटेन का ब्लीच किया था और इनके फेस में इनको वैक्स भी किया था। उसके बाद हमने इनका फेसियल स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आ गए थे हमारे पास एक क्लाइंट जिनको करनी थी हेयर रिबॉन्डिंग, तो हमने इनकी रिबॉन्डिंग भी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हमने इनके हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर हमने उनको ड्रायर से 100% सुखा लिया। अब हम इनके बालों में क्रीम अप्लाई कर रहे हैं जो कि हम लॉरियल की करेंगे, और अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन लेके हम क्रीम को अच्छे से मल्सीफाई करेंगे, आप देख सकते हो। और आज स्टाफ भी कम है, 2 लोग छुट्टी पे थे और हम 4 लोग आए थे। और देखिए यहाँ पे फिर दूसरी क्लाइंट और आ गए थे जिनको थ्रेडिंग करनी थी, क्योंकि सीजन का टाइम है तो आजकल काम ज़्यादा रहता है पार्लर में। हमने इनकी पहले क्रीम लगा दी थी, उसके बाद हमने उसको बॉन्ड ब्रेक होने के लिए रहने दिया था थोड़ी देर बालों को मैं क्रीम। उसके बाद हमने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद और भी क्लाइंट आ गए थे जिनको थ्रेडिंग वगैरह करनी थी। और देखिए हेयर को अच्छे से वॉश करने के बाद फिर हमने उनको अच्छे से सुखा लिया था। उसके बाद फिर प्रेसिंग की बारी आई थी, फिर हमने प्रेसिंग स्टार्ट की थी। पतले पतले सेक्शन लेके अच्छे से हमने प्रेसिंग की सारे बालों को लेके, और आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हमने लगाया था न्यूट्रीराइजर प्रेसिंग पूरी होने के बाद। मैंने इनकी पूरी स्मूथनिंग स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो तो नहीं बनाई है, बीच बीच में बनाया क्योंकि आज पार्लर में काफ़ी काम था। देखिए इनका फाइनल रिजल्ट ये आया था जब हमने कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे इनके हेयर हो चुके हैं, कितने स्मूथ हो चुके हैं। हमने इनको 30 दिन बाद वॉश के लिए बुलाया, और देखिए हमारी ब्राइड भी आ चुकी है और ये हल्दी से देखिए कितनी पीली होके आई है और हेयर में भी काफ़ी कलर वगैरह डाला है। सबसे पहले हमने इनका हेयर वॉश किया था, आप देख सकते हो 2 बज चुका है। इनके साथ और लोग भी आए हैं रेडी होने के लिए। हमने सबका मेकअप स्टार्ट कर दिया है एक एक करके। वैसे ये लोगों को काफ़ी देर हो गया है और इनको अब जल्दीबाजी भी हो रही है। और देखिए उसके बाद हमने इनका मेकअप सबका स्टार्ट कर दिया, और बीच बीच में और भी कस्टमर आ रहे थे, हमने सबको देखना था। इनका तो आई मेकअप हो चुका है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है इनका आई मेकअप। और इनका भी आई मेकअप हो चुका है और फेस मेकअप बचा है शायद इनका, और वहाँ पे फेशियल चल रहा है, अंदर यहाँ पे भी मेकअप चल रहा है। और देखिए ब्राइड का मेकअप तो मैंने कर दिया है, अब मैं बना रहा हूँ उनकी हेयर स्टाइल। और हेयर स्टाइल भी मैंने आगे से तो कम्प्लीट कर दिया, पीछे के बालों को मैं रोल कर रहा हूँ। उनके हेयर भी काफ़ी लंबे थे तो हेयर स्ट्रेटन की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगा इनका, और चलो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबका मेकअप हो चुका है, सब हेयर स्टाइल के लिए रुके हैं, और एक एक करके इन सबका हेयर स्टाइल बनेगा। और ये दीदी तैयार हो चुकी हैं, अब ये जा रही है, हमने सब तैयार कर दिया था। उसके बाद दो क्लाइंट और आ गए थे, इनको करना था फेसियल, और इनका फेसियल भी हमने स्टार्ट कर दिया था। इनकी सारी कॉर थी, इनको भी करना है, इसके बाद फेसियल करना है। और यहाँ पे बन गई है हेयर स्टाइल, देखिए लगभग इनकी हेयर स्टाइल शायद कम्प्लीट हो चुकी है। और इनको पीछे से कराना है इनका जूड़ा, और देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, इनका भी हेयर स्टाइल बन रहा है। बैठे हेयर स्टाइल करता हूँ, और ये देखिए ये रियल फ्लावर, रियल फ्लावर अच्छी लगती है। तो हमने इनके बालों के जोड़ा पे वही लगाया, इतना प्यारा लग रहा है। तो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। अगर आप लोगों को भी मेकअप करवाना है, नॉर्मल मेकअप या ब्राइडल मेकअप जैसे भी मेकअप आपको करवाना है, तो आप हमारे पार्लर पर जरूर आइए। तो देखिए ये हमारी ब्राइड है, कैसी लग रही हैं, ये इनका फाइनल लुक है। हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो चुकी है, नथ भी पहन लिए हमने, इनका दुपट्टा भी लगा दिया। और देखिए लहंगा तो काफ़ी खूबसूरत था इनका, मुझे तो बहुत पसंद आया, कलर भी काफ़ी अच्छा है। और कल मिलते हैं, कल इनकी शादी है, शादी का भी मेकअप मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए हम ब्राइड का तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इनको पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, अब हम इनको भेज देंगे, इनको लेने के लिए भी आ चुके हैं। और यहाँ पे बन रही हैं हेयर स्टाइल,
देखिए अब मैं जा रहा हूँ ब्राइड को गाड़ी पे बिठाने के लिए। इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है क्योंकि और लोग सब बिजी थे, कोई फेशियल करने पे, कोई हेयर स्टाइल करने पे, तो मैंने सोचा मैं इनको गाड़ी पे बिठा देता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने भी इनकी हेयर स्टाइल स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इन लोगों को भी काफ़ी देर हो रही थी, वहाँ पे संगीत स्टार्ट हो चुका था इनका। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे प्यारी कौन लग रही थी, सब हेयर स्टाइल किसका सबसे ज़्यादा पसंद आया और मेकअप किसका अच्छा लगा। वैसे तो हमने सबका ही बहुत अच्छा किया था, आई मेकअप भी सबका बहुत अच्छा हुआ था और हेयर स्टाइल भी सबका बहुत अच्छा किया था हमने। और वहाँ पे हो रहा है फेशियल, और देखिए इनकी भी हेयर स्टाइल हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है ये। आजकल तो शादी का सीजन है तो काफी भीड़ रहती है, हर टाइमिंग कमर दर्द हो जाती है, कभी कभी तो सुबह से शाम तक खड़े होते होते। और सबसे मेन कस्टमर को सेटिस्फाई करना, इन पे हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो देखिए इन पे मैं हेयर स्टाइल ट्राई कर रहा था, इनको कभी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था कभी ऐसे, तो उसके बाद फाइनली इनको पसंद आ चुका था जो मैंने इनका हेयर स्टाइल बनाया था। फाइनली सबका हेयर स्टाइल और मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब ये लोग जाने के लिए रेडी हैं और इनकी गाड़ी अभी आने वाली है। तो और उसके बाद आती है आफत, जब पार्लर की हालत ऐसी की तैसी हो जाती है उसको सारा समेटने पे करने पे। और उसके बाद भी कस्टमर काफ़ी थे जिनका हमने फेशियल वगैरह करना था, वो लोग वेट कर रहे थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे कल को, आपको मैं दिखाऊंगा अगले दिन का। चलो ओके, टाटा बाय बाय।